वो संगिया वो हमर छत्तीसगढ़ मावो। आज का ये जो कवि सम्मेलन है, जिनकी याद में है, जिनकी स्मृति में है, मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय साहू जी दिख रहे हैं, छत्री जी दिख रहे हैं, पात्री जी दिख रहे हैं, गोस्वामी जी दिख रहे हैं, सारे फ्रंट लाइन में जो हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं। मेरे साथी एसपी साहब नहीं आ पाए आज किसी कारण से, लेकिन सीओ साहब आए हैं दशरथ, उपस्थित नवीन, पूरी प्रशासनिक टीम, हमारे पुलिस के साथी जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और मीडिया के हमारे प्यारे साथियों, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुंगेली की पूरी जनता, यहाँ के उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण। और आज की कार्यक्रम के शान हमारे जो कविगण आए हुए हैं, आदरणीय दुबे जी, पांडे जी, सोनल जैन जी, उपस्थित मोहिनी जी, हमारे सरदार मंजीत सिंह जी, रंगीला जी, और हमारे बहुत अपने देवेंद्र परिहार जी, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। आदरणीय दुबे जी ने बहुत प्यार दिया है मुझे, अब मुझे अवसर मिला है कि इस प्यार को मैं थोड़ा सा लौटा पाऊं। वैसे तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, पात्र जी ने आके आपके कान में बोला था कि साहब अच्छा गाते हैं, तो मैं दो लाइन गाऊंगा और मेरे को रुकने के पूरे नंबर मिले ना मिले, इस गाने के पूरे नंबर मिलने चाहिए। आप सभी को नमस्ते फिर से। मैं चूंकि छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ की माटी में ही IAS का एग्जाम निकाला और काम करने का मौका मिल रहा है, तो एक गाना जो हमने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पे इस गाने को लॉन्च भी किया था, इस गाने को गाया था, उसकी कुछ लाइनें मैं गाऊंगा। गाना छत्तीसगढ़िया में ही है, मैं भी घर में छत्तीसगढ़िया सरगुजिया बोलता हूँ हमारे परिवार में, तो बस दो लाइनें मैं गाऊंगा, आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगे तो ताली बजाइए। वो संगिया वो हमर छत्तीसगढ़ मावो, आवो संगिया वो सुघर छत्तीसगढ़ मावो, हरियर है धान कटोरा सब कोती है राम के डेरा, हरियर है धान कटोरा सब कोती है राम के डेरा, मिठ बोली ले मैना के संगी रे ये गढ़ मा हो थे सवेरा, आवो संगी आवो हमर छत्तीसगढ़ मावो, आवो संगी आवो सुघर छत्तीसगढ़ मावो। थैंक यू। कलेक्टर साहब के गीत के लिए आपसे मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि समवेत सर में आसमान तक दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, और जोर से, ताकि लगना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी न प्रशासन चलाते हैं वरन संस्कार और संस्कृति को भी जीते हैं, और उन्होंने संस्कार का हाँ जी नहीं नहीं बिल्कुल भाई साहब आपने